नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। और आज दंगल में हम उस बड़ी खबर पर बने हुए हैं जिसमें महाराष्ट्र की सत्ता और शिवसेना में नेतृत्व का सवाल गंभीर हो गया है। अभी तक का अपडेट ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को मुंबई आकर बातचीत करने का ऑफर दिया गया है। शिवसेना की ओर से कहा गया है कि अगर सारे विधायक कह दें तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएगी। इसके पहले एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 42 विधायकों की फोटो खिंचाकर अपना दावा मजबूत किया है। पांचवा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भेजी गई चिट्ठी में विधायकों के दस्तखत को लेकर सवाल उठा दिए हैं। इन तमाम हलचलों के बीच कई गंभीर सवाल भी बने हुए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे के सामने बहुत कम विकल्प बचे हैं? महाराष्ट्र की सत्ता का अगला फैसला विधानसभा से निकलेगा या फिर राजभवन से? क्या उद्धव इस्तीफा देंगे या विश्वास मत हासिल करेंगे? क्या महाराष्ट्र में अविश्वास प्रस्ताव आएगा? इन तमाम सवालों पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत में क्या क्या हुआ है। डावपेच मराठी सत्ता पर चल रहा है और दंगल करने ममता बनर्जी के समर्थक गुवाहाटी के होटल पर पहुंच गए। इधर पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सत्ता संकट की दो सबसे बड़ी तस्वीरें कुछ ऐसी रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से अपना साजो सामान समेटकर उद्धव ठाकरे न जाने क्यों मातोश्री चले गए, उधर देर रात से सुबह तक गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के विधायक पहुंचते रहे। दावों का दिन चढ़ा तो शिंदे सेना गुट ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और उद्धव ठाकरे के सामने चैलेंज का नया पत्ता फेंका कि गिल्लो हम कितने हैं। फोटो में 42 लोग दिख रहे थे। दावा किया गया कि शिवसेना के 35 विधायक हैं, 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा दादा भूसे, संजय बांगड़ और संजय राठौड़ 3 विधायक जो मुंबई में है वो भी एकनाथ शिंदे के साथ। इस हिसाब से नंबर का गणित तो एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया तो एंटी डिफेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन संजय राउत कभी कहते हैं कि गुवाहाटी से 21 विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है और वो महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हिम्मत है तो मुंबई लौट कर आओ और बात करो। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईल वर, व्हॉट्सअप वर किंवा अन्य ट्विटर वर आपण पक्के शिवसैनिक आहात। आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। दरअसल सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार बचाने का नहीं है, शिवसेना बचाने का है। लेकिन शिवसेना अभी भी इस संकट को सिर्फ सीएम की कुर्सी तक सीमित करके देख रही है। शायद इसीलिए बागी विधायकों की ओर से एक खुला खत उद्धव ठाकरे के नाम गुवाहाटी से ही आया है। 3 पन्नों की इस शिकायती पत्र में विधायकों ने मानो अपना कलेजा निकाल कर रख दिया है। चिट्ठी की बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों से मिलते तक नहीं थे। वर्षा के बाहर से शिवसेना विधायकों को लौटा दिया जाता था। एनसीपी के नेताओं से सीएम मिलते भी थे, उन्हें फंड भी मिलता था। आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, शिवसेना नेताओं को रोक दिया गया। संकट में एकनाथ शिंदे ने विधायकों की बातें सुनी, मदद भी की और इसीलिए अब ये विधायक गुवाहाटी जाने को मजबूर हुए। इधर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में भी काफी हलचल है। कांग्रेस की अलग बैठक हो रही है, एनसीपी की अलग ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। फैसला क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह उद्धव के साथ है। आदरणीय पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी
सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए, और हम सब साथ मिलकर उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे का रुख देखकर लगता है कि अब महाविकास अघाड़ी की सरकार के दिन पूरे होते दिख रहे हैं, लेकिन लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर है नहीं, और एनसीपी के कोटे से डिप्टी स्पीकर बने नरहरि जिरवाल को शक है कि शिंदे समर्थक विधायकों वाली चिट्ठी सच्ची है। एमएलए उनके साथ में है, वो है, लेकिन उस साइन में वो देशमुख करके उन्होंने बोला मैं देशमुख, हाँ हम अंग्रेजी सही साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं, और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं, तो ये मेरा साइन ही नहीं ऐसा एक है, तो और कुछ है या नहीं वो तो जज करना पड़ेगा। जिसकी संख्या ज्यादा है वही ग्रुप लीडर होगा, उसी का विप होगा, या जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे उनका होगा? नहीं, अभी तक तो कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है। एकनाथ शिंदे की सियासी जंग की सुई विधानसभा में अटकती दिख रही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को शिंदे के तमाम दावों पर शक है और महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला उसी विधानसभा में होना है। इस बीच बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के घर बैठक हुई है, नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर से लेकर तमाम नेता बैठक में शामिल थे। बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन उधर औरंगाबाद में तो पोस्टर भी लगने लगे कि फडणवीस अगले सीएम होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, निर्दलीय विधायक की ओर से नया दावा सामने आया है। आपको बता दें, बदलते घटनाक्रम के बीच निर्दलीय विधायक देवेंद्र भायर की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी और शिंदे की तरफ से मुझे फोन किया गया था, मुझे भी बुला रहे थे गुवाहाटी। देवेंद्र भायर ये बोल रहे हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, एनसीपी की मीटिंग में शामिल होने आए थे भायर, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है कि मुझे भी बुलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया है और बागी शिवसेना के नेता शिंदे का भी नाम लिया है। इनके दावों का दम भी आपको दिखाएंगे, कह रहे हैं मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि अभी की स्थिति और परिस्थिति क्या कहती है। महाराष्ट्र में किसकी अब होगी सरकार, उद्धव ठाकरे का क्या होगा, पल पल जिस तरह का घटनाक्रम बदल रहा है, इसीलिए इस आंकड़े के साथ हम आपके सामने आए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए 144, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विधायक हैं 106, जबकि दूसरी तरफ शिवसेना के पास सिर्फ 17 बचे हुए हैं, जिस तरह के दावे उधर से किए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा लगातार घटता हुआ भी चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के 44, एनसीपी के 53 विधायक उन पार्टियों के साथ इंटैक्ट बने हुए हैं। लेकिन ये जो नीचे की तरफ है, ये विधायक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर इनको लेकर दोनों ही तरफ बढ़े तो देखिए आंकड़ा क्या कहता है। आप बीजेपी के जो समर्थक अन्य हैं 106 के साथ साथ जोड़ेंगे तो 113 हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है शिवसेना की ये बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो गुवाहाटी में लगातार टिके हुए हैं। इनको अगर बीजेपी खेमे की तरफ हम आगे बढ़ा देते हैं तो 151 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा चला जाता है, यानी कि ये आंकड़ा पहुंचता है बहुमत से कहीं ज्यादा आगे। 144 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन 151 यहां पर हो जाता है। अन्य बागी जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं शिंदे के साथ, अगर इनको भी यहां से निकालकर दूसरी तरफ हम जोड़ लें तो 163 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा हो जाता है। इसी वजह से बीजेपी आराम से शहमात के इस बड़े खेल को देख रही है और अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। लेकिन यहां पर एनडीए का ये ख्वाब, देवेंद्र फडणवीस का ये ख्वाब और केंद्रीय नेतृत्व का ख्वाब, जैसा कि गोवा के सीएम कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर बनी हुई है, क्या अब उनका रुख क्या रहता है, क्या इन तमाम लोगों को अपने साथ बीजेपी जोड़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की स्थिति देखिए, कांग्रेस की 44, एनसीपी के 53 तो बने हुए हैं, लेकिन शिवसेना की स्थिति यहां पर डावाडोल है, क्योंकि उसके ये 38 विधायक लगता बिल्कुल नहीं है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के मनाने के बाद मुंबई आने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह की बातें और जो खत सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि शिवसेना यहां पर दो फाड़ दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगला कदम अब क्या होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। संजय राउत बुला रहे हैं कि आइए बातचीत कीजिए, महाविकास अघाड़ी अब गठबंधन हम छोड़ देंगे, लेकिन मुंबई आकर बातचीत कीजिए। लेकिन ये 38 विधायक गुवाहाटी से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में स्थिति यहां पर बेहद कमजोर उद्धव ठाकरे की नजर आ रही है। और अब आगे क्या होगा, ये सवाल अपने आप में कायम है। दंगल में इसी बात को लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक बेहद खास मेहमान महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे आपका रुख करते हुए सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है, जिस तरह की परिस्थिति इस समय बनी हुई है, 42 विधायकों का समर्थन खो चुके हैं उद्धव ठाकरे, जिस तरह का आंकड़ा और जो तस्वीरें निकलकर गुवाहाटी से सामने आई हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? नाना पटोले जी, मेरा उल्टा है। मैं ये, क्योंकि ये षड्यंत्र के पीछे बीजेपी पूरी तरह है, ईडी का डर बताकर राज्य की सरकार को अस्थिर कर रही, यह स्पष्ट हो चुका है। गुजरात हो या गुवाहाटी हो, क्या क्या हो रहा है सब देश देख रहा है। और गुवाहाटी में तो बाढ़ की परिस्थितियां हैं, वहां लोग तकलीफ में हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ये बंडखोर शिवसेना के विधायकों को संभालने में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बता रहा हूं कि अगर ये इतने सारे विधायक वहां जमा होने के बाद भी, जो आंकड़े आपके मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो मेरा सवाल बीजेपी को ही है कि बिल में घुसकर क्यों है, अभी तक बिल के बाहर क्यों नहीं आए? उनको तो सत्ता जल्दी कब मिलती सत्ता, उसके सपने वो दिन में भी देखते थे, पर इतना बड़ा बदल हो गया कि आज बीजेपी दावा क्यों नहीं कर रही? आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता बिल में घुस गए हैं? तो तुरंत नोटिस इश्यू करके एक स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं। आप कह रहे हैं क्यों बीजेपी आज भी चुप है, ये सवाल मेरा है। मतलब बीजेपी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, और आपको लग रहा है बीजेपी की ही इस पूरे के पूरे खेल के पीछे है। लेकिन अब मेरा अगला सवाल, संजय राउत वहां पर शिवसेना की ओर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन हम छोड़ देंगे, लेकिन मुंबई में आकर विधायक ये बात कहें तो वो तो छोड़ने को तैयार बैठे हैं, उनकी जुबान से ऐसा लग रहा है। पटोले साहब, एकदम सिंपल लाइन है कि मेरा ये कहना है कि उनके पार्टी का मामला है, उनके विधायक, उनमें जो जिस तरह से बीजेपी ने उनके कुछ मंत्री और विधायकों को वहां जमा किया है, और उनके विधायकों को और उनके मंत्री को बुलाने के लिए वो दाव लगा रहे होंगे, तो उनका इश्यू है। और आपको पता होगा कि जब अंधेरी की सरकार महाराष्ट्र में गिरी थी, अंधेरे की सरकार तो आपको सबको पता ही है, जब गिरी थी तो तब उद्धव जी और शरद पवार जी हमारे नेता सोनिया जी से मिले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उस समय नेता सोनिया जी ने भूमिका रखी थी कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। हमें बहुत सत्ता की लालसा थी, ये सब्जेक्ट ही नहीं था, हम रोकने के लिए हम इसमें शामिल है, सीएम भी तुम बनो, डीसीएम भी तुम बनो, भूमिका हमारी नेता सोनिया जी ने उस समय भी कही थी। हम महाविकास अघाड़ी के साथ है और हमें मैंडेट यहाँ अपोजिशन का दिया गया है, हम जनता का उस मैंडेट का हमने स्वागत भी किया था और जनता के लिए काम करने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, हम अपोजिशन में भी रहेंगे तो भी लोगों के लिए काम करेंगे। अब सबसे आखिरी में आपने मेन बात कह दी कि अगर अपोजिशन में भी हम रहेंगे तो जनता की ही बात करेंगे, तो अपोजिशन में रहने की तैयारी क्या कांग्रेस पार्टी ने अब शुरू कर दी है इसी के साथ, और क्या आज की रात महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए कयामत की रात रहने वाली है? नाना पटोले जी, नहीं नहीं नहीं, ये कयामत की रात नहीं, आप गलत बात सोच रहे हो। मैं तुमको बता रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी का सरकार ये कंटिन्यू रहेगा, बीजेपी जो दिन में सपने देख रही है, ताने बाने बुन रही है, इनका सपना पूरा नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी का सरकार ये कंटिन्यू 5 साल चलेगा महाराष्ट्र में। ये जो दिखाया जा रहा है, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो ये सच नहीं है, असलियत अलग है। मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, गुवाहाटी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वही दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए, शिंदे की चूंकि खुद की अपनी महत्वाकांक्षा है, ये हालांकि बिल्कुल अलहदा सवाल है लेकिन फिर भी आपसे पूछना जरूरी है, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है जिस तरह मनाने की कोशिश की जा रही है लगातार एकनाथ शिंदे को कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी एकनाथ शिंदे को? नाना पटोले जी, देखो हमारा मूल इश्यू है, हम महाविकास अघाड़ी की सरकार में है, सेना के मुखिया उद्धव ठाकरे जी है, और उद्धव ठाकरे जी कोई डिसीजन लेते हैं उनके इसमें कि भाई मैं नहीं रहूंगा, हमारे पार्टी का ये रहेगा, तो हमारे पार्टी हाईकमांड डिसीजन लेगी ना, उसमें इतनी जल्दी किसी को लेने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल डिसीजन लेंगे हम लोग। हमें हमारी भूमिका स्पष्ट है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे जी जो कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस उनके साथ है। उद्धव ठाकरे जी की ओर से एक और निर्णय लिया गया, वो ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास वर्षा छोड़ दिया और वो मातोश्री में जाकर शिफ्ट हो गए, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा करके क्या उन्होंने ठीक किया?
देखो, हमें उनके व्यक्तिगत मानसिकता को हमें कोई तराशने की जरूरत नहीं है और उनके बारे में बोलने का कोई अधिकार भी हमें नहीं है। उनके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी को बड़ा करने का अधिकार उनका है। उन्हें वर्षा छोड़ा और मातोश्री चले गए, उसके बारे में हमें कोई बोलना ये गलत बात होती। किसी के बारे में और किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हस्तक्षेप करना ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है, वो बीजेपी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाना पटोले जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मुझे पता है कि आपको अब बैठक में जाना है, तो इसलिए आपकी ओर से जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में अहम हो जाती है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के चीफ महाराष्ट्र के, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर हमें विपक्ष में भी बैठना होगा तो हम जनता की सेवा विपक्ष में बैठकर करते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है क्या विपक्ष में बैठने की। खास मेहमान जुड़ चुके हैं दंगल में, अब चर्चा को लेकर आगे हम बढ़ेंगे और विस्तार देंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के लीडर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं विशाल मिश्रा जी। अमना दास दानवी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है विपक्ष में बैठने की, जिस तरह की बातें नाना पटोले के शब्दों से कम इस तरह का आभास मिला है, एनसीपी की क्या है तैयारी? चित्रा जी, मैं अभी सुन रहा था नाना जी को, उन्होंने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम लोग शिवसेना में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के निर्णय के साथ हैं। ये तय शिवसेना को करना है, शिवसेना के नेतृत्व को करना है कि वो अगला कदम क्या उठाना चाहते हैं। इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत पाटिल साहब, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग इस समय शिवसेना के साथ हैं, उनके नेतृत्व के साथ हैं, फैसला उनको लेना है, वो जो फैसला लेंगे हम लोग उसके साथ हैं, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब जहां तक बात आपने जो कहा कि विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया है, तो अभी ये हुआ कहां है, ये तो एक परिकल्पना है। आज भी महाविकास अघाड़ी के पास भरपूर समर्थन है और हम लोग हाउस में अपनी इस बात को सिद्ध करने कहां में समर्थन सर, उधर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ये मामला तो इतने हाउस सारे में विधायकों की तस्वीरें भी एक साथ देकर क्या आप लोग डर नहीं रहे हैं? ये जो कॉन्फिडेंस टीवी पर दिखाया जा रहा है बैठकर, वास्तव में ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है क्या? ये जो विधायक है, ये विधायक, मैं चित्रा जी स्पष्ट कर दूं, ये जिन विधायकों को दिखाया जा रहा है, जिन विधायकों के हस्ताक्षर पेश किए गए हैं उनके द्वारा देश के मीडिया के सामने, उनमें से कई विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके ये कहा है कि साहब ये तो मेरे दस्तखत ही नहीं है, तभी तो हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को कहना पड़ा, अदर अन्यथा उनको तो कहने की जरूरत क्या थी? मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? जानकारी ये तो बड़ा सवाल है ना, इसके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंची है। विधायक ऐसे दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि वहां पर किसी ने बंधक बना लिया, तो आपके पास टेलीफोन है, आप मुस्कुराते हुए फोटो सेशन वहां पे करवा रहे हो और आपको मुंबई आने में दिक्कत हो रही है, अगर जिस तरह का दावा आप कर रहे हैं, अगर आप बंधक की ठीक है, मैं एक बार अम्बा दास जी भी हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनसे तो उनका देशभक्त का बयान सुना होगा ना हमारे आदरणीय विधायक जी का, ठीक है, हाँ उनका बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि जबरन बंधक बनाया गया था और सारी चीजें, लेकिन बड़ी तादाद में तो अभी भी गुवाहाटी में ही टिके हुए हैं। अम्बा दास जी सीधे आपके पास आते हुए, इंजेक्शन तक दिया, ये उनका आरोप है, सीधे आपके पास आते हुए, अभी की स्थिति शिवसेना की क्या है? सरकार बनाना बचाना तो दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, अभी तो आपको अपनी पार्टी बचाना पड़ जाएगा, जिस तरह के तेवर अख्तियार करके शिंदे अपने विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं गुवाहाटी में। अंबादास जी, शिवसेना ये जो संगठन है ये पार्टी नहीं है, शिवसेना एक मास बेस्ड पार्टी है और शिवसेना ने ऐसा शिवसेना में बहुत बार हो चुका है, छगन भुजबल जी के टाइम हुआ था, हाँ। नारायण राणे जी के टाइम हुआ था, राज साहब ठाकरे जी के टाइम हुआ था, ये सब लोगों ने शिवसेना छोड़ी थी, उस टाइम भी ऐसी चर्चा हो रही थी कि शिवसेना का क्या होगा, लेकिन भुजबल जी गए बाद शिवसेना की सत्ता 95 में अलायंस की सत्ता आ गई, नारायण राणे गए बाद उनके साथ जितने विधायक गए उसमें कि वो अकेले छोड़ के कोई चुन के भी नहीं आ सके, राज ठाकरे गए शिवसेना छोड़ के, उनका अभी एक विधायक, अब की परिस्थितियों में आपकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है, आप समझ रहे हैं कि सीधे उद्धव ठाकरे को, ठाकरे साहब को ही यहाँ पर चुनौती दे दी गई है, खुद उनकी कुर्सी जाने वाली है, ठाकरे का शिवसेना पर कब्जा बरकरार रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर अब सोचना है आपको,
ये इतनी बड़ी मुश्किल है, समझ में आ रही है शिवसेना को? आप लोग बुला रहे हैं कि विधायक मुंबई आकर बातचीत करें और वहां से विधायक डिगने को, हटने को, आने को तैयार नहीं है। अंबादास जी, नहीं, अगर दिल से आप सब लोग होंगे तो सामने आके कल पक्ष प्रमुख जो है हमारे पार्टी के सुप्रीमो उद्धव जी ठाकरे साहब जी ने यही कहा है, कि आप मेरे सामने आके ये बात सुस्पष्ट कह दीजिए कि नेतृत्व के बारे में क्या चर्चा करना है, सीएमशिप के बारे में क्या चर्चा करना है। ये उद्धव जी ठाकरे साहब ने सुस्पष्ट रूप से कहा है, और वो लोग क्यों नहीं कर रहे फिर? अगर सुस्पष्ट एक साथ रह रहे हैं, खुद को शिवसेना का भी बता रहे, तो शिवसेना के जो पार्टी चीफ है उनसे बात करना चाहिए। ठीक है, ये बात वो कर नहीं रहे। वो लोग कह रहे हैं कि पार्टी चीफ से बार बार समय मांगा जाता था, दफ्तर पहुंचा जाता था, उनकी आवाज पर हम लोग जाकर घंटों खड़े रहते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसके बाद निराश होकर हमें वापस आना पड़ता था। आज ही आपकी एक विधायक की चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया है कि मुख्यमंत्री आवास में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था और अब शिंदे साहब सुनेंगे हमारी, खुद ये चिट्ठी है। आपको लग रहा है कि जो चिट्ठी आई है वो गलत है? लिखिए, वो चिट्ठी गलत है, ठीक है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, वो खुद जनता को 5-5 दिन नहीं मिलते हैं। हेलो, अब ये तो सवाल बड़ा हो गया। आप कह रहे हैं कि वो खुद जनता से 5-5 दिन नहीं मिलते हैं, तो फिर नेतृत्व क्या कर रहा था अगर विधायक इस तरह से सक्रिय नहीं है? तो ये भी बड़ा सवाल है ना। लेकिन मैं आऊंगी तमाम सवालों के साथ। हमारा कोई संवाददाता गुवाहाटी से, हमारे पार्टी कोई फर्क नहीं, गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, और हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहले आप खबर बताइए, क्या स्थिति है इस वक्त मुंबई में, कहां पर आप मौजूद हैं? पीछे भीड़ भाड़ नजर आ रही है, क्या तैयारी है? पार्टियों की अपनी अपनी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, 5 बजे कांग्रेस की भी अपनी बैठक, और अभी मैं जहां पर हूं यहां शरद पवार अपने तमाम विधायकों, सांसद और बाकी नेताओं के साथ मिल रहे हैं। अब दरअसल ये फैसला लेना है कि आगे करे तो करे क्या, क्योंकि शिवसेना अपना घर नहीं बचा पाई है, चुनौती एनसीपी कांग्रेस के साथ है कि बड़ी मुश्किल से तो 2 साल पहले सरकार बनाई थी और 2.5 साल के भीतर ही अब सरकार गिरने को तैयार है। लेकिन इस समय एनसीपी के जो प्रवक्ता है क्लाइडो कैस्ट्रो, वो यहीं पर घूम रहे थे। क्लाइडो आइए, आप ही की जरूरत थी सवाल पूछने के लिए कि आखिर जो बैठक हो रही है, बैठक में हो क्या रहा है, चर्चा किस बात की हो रही है, मंथन किस बात का? 2 साल पहले का पूरा घटनाचक्र याद कीजिए, ऐसे ही सरकार बनी थी, सारे नंबर थे, 15 दिन के बाद क्या हुआ था? कहीं वही इकलौती उम्मीद तो फिर नहीं है कि देखिए तब मैजिक चला था फिर कुछ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार एनसीपी टूटी थी, इस बार तो शिवसेना में टूट पड़ी। तो आपका सवाल क्या मुझे अभी सुना? मुझे ये बताइए कि इतनी सारी जो, ये देखिए अजीत पवार निकल रहे हैं यहाँ से, बैठक शरद पवार ने बुलाई थी, अजीत पवार की तस्वीर हमको दिखाएं, क्लाइडो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अजीत पवार निकल रहे हैं, बैठक जो शरद पवार ने बुलाई थी, तमाम सारे प्रफुल्ल पटेल, माफ कीजिएगा, प्रफुल्ल पटेल निकल रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ से जो है बैठक से निकल रहे हैं, कई सारे नेता थे और वो देखिए निकले हैं यहाँ से, शायद बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं बात नहीं करेंगे, वो यहाँ से जा रहे हैं हमको। बिल्कुल, ये देखिए अब कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बैठक अभी चल रही है प्रफुल्ल पटेल की, और उसके बाद से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो औपचारिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस बैठक में दरअसल ये है मंथन इस बात को लेकर के कि अगर शिवसेना में टूट पड़ी है तो एनसीपी के पास आगे रास्ता क्या बचा है। शरद पवार ने कहा था कि देखिए शिवसेना के भीतर का मामला हम करें तो करें क्या, जब तक हमसे उद्धव ठाकरे ये नहीं कहते कि आगे क्या करें तब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो इसीलिए सभी विधायकों को बुलाया गया, और ऊपर से संजय राउत का ये बयान कि सभी विधायक अगर आते मिलते हैं कहते हैं कि अलायंस से बाहर जाइए तब हम फैसला ले लेंगे। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच में वही एनसीपी जिसमें एक बार 2.5 साल पहले टूट पड़ी, आपको याद हो वो पूरी सारी तस्वीरें, कैसे पूरा घटनाचक्र रिपीट हो रहा है कि अजीत पवार गए तड़के सुबह सरकार बनी और कुछ दिन के भीतर उसी शरद पवार ने सब कुछ जो है वापस पलट दिया और नई सरकार बनाई, नया घटक दल बने, नई गठबंधन बनी, महाविकास आघाड़ी बनी। तो अब उम्मीद है कि क्या शरद पवार कोई जादू की छड़ी घुमा पाएंगे। कोशिश यही कर रहे कि तमाम सारे देखिए जितने कार्यकर्ता हैं वो भी सब यहां जुटे हुए हैं, एक आखिरी उम्मीद अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार आखिरी कड़ी हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ से भी चीजें बाहर इसलिए दिखती हैं क्योंकि टूट इस बार ऐसी पार्टी में पड़ी है जिसका सांगठनिक ढांचा, जिसकी आइडियोलॉजी सब कुछ एनसीपी और कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत खड़ी टूट पड़ गई है, और उस टूट को बचा पाने में उद्धव ठाकरे अब तक कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोई जादू की छड़ी होगी जो शरद पवार 2019 की तरह घुमाएंगे और फिर सरकार को कायम रख पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मंथन का दौर लगातार जारी है। गुवाहाटी चलते हैं, अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए। अनुपम, 2 विधायक निकले हुए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कहा गया पूजा करने के लिए गए हैं, उनके बारे में क्या खबर है?
जी देखिए, अभी तक ये दोनों विधायक आशीष जायसवाल और दीपक केसरकर अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। वो लगभग एक घंटा हो चुका है और दो बातें सामने आई। एक तो सामने आई कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी बात सामने आई कि कामाख्या में जा रहे हैं। अब कामाख्या मंदिर जो है, अंबुवाची जो मेला चल रहा है, जो गर्भगृह है, जो देवी का दर्शन है, वो फिलहाल लेकिन बंद पड़ा हुआ है। मेला चल रहा है, आप मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में अभी चार दिन तक नहीं जा सकते हैं। तो वो कहाँ गए हैं एग्जैक्टली और अब तक क्यों नहीं आए हैं, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं, ये भी अभी साफ नहीं है कि वो कहीं किसी बीजेपी नेता से मिलने गए हैं या किसी और पर्पस से गए हैं। तो ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कहां गए थे। इस बीच में जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, वो भी अभी अभी थोड़ी देर पहले होटल रेडिसन ब्लू में घुसे थे और लगभग आधा घंटे का वक्त बिताने के बाद वो अभी अभी बाहर निकले हैं। वो भी एनडीए का ही पार्ट है और वो जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेघालय से जब मैं यहां आया तो मैं यहां पे थोड़ा सुस्ताने के लिए आया। और इस बीच एक और अपडेट यह है कि हिमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है, वो भी दिल्ली जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया है ये पूरा का पूरा मामला। फिलहाल मेला देखने जो विधायक गए हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है, ऐसा ना हो कि मुश्किलें यहां पर खड़ी हो जाए, मेले में कहीं गुम हो जाए और फिर मुंबई में वो नजर आ जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। आपको बताते चले, बड़ी जानकारी आ रही है संजय राउत के बयान पर। छगन भुजबल की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। छगन भुजबल ने कहा है शरद पवार से बात करके फैसला ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। राउत ने कहा था सारे एमएलए चाहे तो महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे, शरद पवार से बात करके फैसला ले सकते हैं। छगन भुजबल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए अभी आखिरी रात है। संजय राउत के बयान पर छगन भुजबल की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनते हैं। पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं, और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है, पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में आनंद है नहीं है, फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। छगन भुजबल को आप सुन रहे थे, जल्दी से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपके ही सवाल पर ये जवाब छगन भुजबल की ओर से दिया गया था। आगे की स्ट्रेटेजी क्या, एनसीपी तो ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से नेताओं के, अब मान के चल रही है कि महाविकास अघाड़ी की ये गाड़ी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, इसी वजह से अब नेताओं के बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जवाब। और इसका इंडिकेशन शरद पवार ने परसों दे दिया था चित्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर आगे होगा क्या, कि शिवसेना का आंतरिक मसला जब ये कह देते हैं शरद पवार तो बहुत कुछ वहीं विराम लग जाता है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल, दूसरी सबसे अहम बात कि उद्धव ठाकरे जब ये निर्देशन देंगे कि आगे क्या करना तभी मैं इंटरवीन करूंगा। और यहां आपने छगन भुजबल को सुना, दो टूक सीधी सी कि अगर उद्धव ठाकरे को गठबंधन से अलग होना है, पवार साहब से बात करें, हम आगे फैसला उस पर दोनों बड़े नेता ले लेंगे। बात अगर यहां तक पहुंच चुकी है, हालांकि कांग्रेस के नेता का जो आपने सुना वो कह रहे थे हो सकता है अपने विधायकों को वापस बुलाने के लिए, सिर्फ कहने के लिए कह रहे हूं, लेकिन अगर बात यहां तक पहुंची है तो समझिए काफी दूर तक निकल जाएगी और उसके बाद फिर क्या उस पर वापसी होगी, वो हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी जो 5 बजे कांग्रेस के खेमे में और यहां ठीक मेरे पीछे एनसीपी के खेमे में जो बैठक हो रही है वो इस पूरे घटनाक्रम को सबसे महत्वपूर्ण बना देती है। आखिर अब एनसीपी क्या फैसला लेगी, कांग्रेस शिवसेना की टूट तो दिखाई पड़ रही है, एनसीपी का रुख आगे क्या होगा, विकल्प क्या है एनसीपी के पास अगर शिवसेना में फूट पड़ गई है और शिवसेना अपने आप को सत्ता में आगे बढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तो एनसीपी के पास विपक्ष में बैठने के अलावा विकल्प ही नहीं है। वही विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास भी है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है अपने बाकी मेहमानों का सीधे रुख करते हुए, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खत शर्त और सत्ता के लिए संघर्ष किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए जल्दी से अब मैं सचिन कराट जी और संजय गुप्ता जी आपका आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल मिश्रा जी सारा खेल तो बीजेपी का है ना, और बीजेपी की चुप्पी है, नाना पटोले यही सवाल पूछ कर गए हैं, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, खेला करने की कोशिश आप लोगों की ही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है
और ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के मूल्यों का निर्वहन किया जाता है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जो भी कमिटमेंट करती है वो उसे कंटिन्यू करती है। यही कारण है कि देखिए एनडीए का घटक आज तक बना। किससे कमिटमेंट किया है शिंदे साहब से? देखिए अब सुन लीजिए, अब मेरी बात को होने दीजिए। आज जो परिस्थितियां निकल कर आई है इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये बनता है कि आज ये परिस्थितियां बनी ही क्यों? दूसरों को मतलब एक लाइन है ना कि मुझको इल्जाम देने से क्या, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अंदर के आहट से खुद पूछ लो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है? बीजेपी ने करवाया है, वो लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फायदा क्या? अगर यहाँ परिस्थिति बनती है तो आपके देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी की बन जाएगी सरकार, शिवसेना के शिंदे के नेतृत्व में लोग आ जाएंगे आपके साथ मुस्कुराहट, आपके सिरे छिप भी नहीं रही है। खुल के बोलिए ना विशाल मिश्रा जी। सुन तो लीजिए चित्रा जी, ये भी तो स्पष्ट है कि चुनाव के पहले का कमिटमेंट क्या था, प्री इलेक्शन के पहले का जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी ने तो उसी को कंटिन्यू किया, लेकिन उस कमिटमेंट को तोड़ने की कवायद सामने की तरफ से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घटक दल का जो है बिल्कुल निर्वहन किया, तो और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आई। आप भी जानते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जब किसी को बहुत बहुमत नहीं मिलता है तो उसी का सीएम उसी पार्टी का पीएम होता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर तो है नहीं। हाँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कब तोड़ा? ये तो कमिटमेंट सामने की तरफ से तोड़ा गया था अवसरवादी। अब वही कमिटमेंट आप लोग पूरा कर रहे हैं, शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर विरोधी दल यही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी जल्दी जल्दी रुख करते हुए, ठीक है जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सचिन करा साहब भी हमारे साथ हैं आरटीआई की ओर से। हाँ, जल्दी से अपनी बात, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं सीधे बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी रुख कर लेती हूँ। आधे घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं संजय गुप्ता जी। अब आगे की राह तो बड़ी मुश्किल है आपकी, लेकिन यह भी सवाल पूछा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा है कि अगर विधायकों का समर्थन नहीं है आपके पास शिवसेना के पास, तो अभी तक उद्धव ठाकरे जिन्होंने वर्षा का मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है, वो पद पर मुख्यमंत्री के कैसे बने हुए हैं? समर्थन है या नहीं है इस बात को अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फैसला गुजरात में या गुवाहाटी में नहीं, वो महाराष्ट्र में होगा। और जब तक विधायक महाराष्ट्र में नहीं आते तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता कि वो जो भी बयान दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं या किसी दबाव में दे रहे हैं किस, क्योंकि जो दो विधायक छूट कर आए उनमें से एक विधायक ने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुनी होगी किस तरह से उन्होंने बताया कि एक विधायक के पीछे 200 पुलिसकर्मी थे और किस तरह से उनको इंजेक्शन लगा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी अगर होश में आए तो। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जिस होटल में गुवाहाटी में वो ठहरे हुए हैं उस होटल के अंदर कितनी पुलिस फोर्स है? क्या कोई आतंकवादी संगठन है ये? क्या ये लोकतंत्र प्रक्रिया है हमारे देश की? ये जो जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, जब वो लोग फोटो खिंचवाकर भेज सकते हैं, वीडियो भी आ रहा है उसमें आप सुन रहे हैं बाला साहब ठाकरे की जय के नारे लग रहे हैं, एक जगह भी लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया जा रहा है। विधायक नारे लगा रहे हैं शिंदे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब अपने नेता मानने को भी तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं वो डरे हुए विधायक हैं, बंदूक की नोक पर उनसे बुलवाया जा रहा है, कौन भरोसा करेगा संजय गुप्ता जी इन बातों पर? किसी भी तरह की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो चिट्ठी में साइन करके भेजे हुए हैं वो साइन भी नकली है, उन साइनों के अंदर जो 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 एमएलए मराठी में साइन करते हैं उनके इंग्लिश में साइन है। इस बात को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर साहब बात कह रहे हैं, तो किसी के साइनों को भी जब तक असली नहीं माना जा सकता जब तक कि वो महाराष्ट्र में आकर के मुंबई में आकर के उनको उस चिट्ठियों पे साइन नहीं करते, जब तक उस पर वो अपना कोई डायरेक्ट बयान नहीं देते। तो आपको लग रहा है कि मुंबई आ जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा और फिर पासा पलट जाएगा यहाँ पर बीजेपी का? आप लोग बड़े ख्वाब बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उधर से विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुलाकात करने का समय ही नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जाते नहीं थे मंत्रालयों में, ये घंटों घंटों मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते थे लेकिन उनको पूछा तक नहीं जाता था। जरा आरपीआई के नेता का अब हम रुख करना चाहेंगे। मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और अब तो तुकबंदी कर रहे हैं यहां पर आपके नेता सचिन करात जी, मौजूदा स्थिति क्या नजर आती है? उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? बीजेपी का कितना बड़ा रोल इस पूरे के पूरे सियासत में देख रहे हैं? चित्रा जी मैं आपका पहला आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, लेकिन मैं बोल ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं महाविकास आघाड़ी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मित्र पक्ष हूँ और मैं आरपीआई का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं दूसरी दो सवाल पूछना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे साहब से कि आपने हैशटैग हिंदुत्व फॉर एवर लिखा है, लेकिन जब भी एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की भाषा कर रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने मुक्ति मोर्चे के साथ
सरकार चलाए तब हिंदुत्व शिंदे का शिंदे जी का किधर था, यह हमारा सवाल है। दूसरा सवाल, जब फडणवीस के साथ सरकार में एकनाथ शिंदे थे तब एमएलए पर अत्याचार हो रहे शिवसेना के साथ, वो हम राजीनामा दे रहे ये बात बोले थे शिंदे जी, अब शिंदे जी किधर है? महाराष्ट्र भूमि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की भूमि है, ये संविधान का उन्होंने अपमान किया है। सूरत जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर सवारी की थी, लेकिन ये सूरत पर जाकर शिवसेना के बागी विधायक सरेंडर हो गए, गुवाहाटी में जाकर सरेंडर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूं सचिन कराची, आप रामदास अठावले की पार्टी से हैं या कहां से हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्लियर करा लूं। मेरी खुद की पार्टी है। अच्छा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मित्र पक्ष हूं। तो यानी कि आपका रामदास, क्योंकि रामदास अठावले साहब की जो आरपीआई है वो तो खोलकर वोकल तुकबंदी करते हुए शेरो शायरी भी सुना रहे थे, बोल रहे थे नाम है एकनाथ शिंदे और उनके साथ है भारत साहब के बंदे, क्योंकि नहीं रह गए हैं अब दूसरों के धंधे, इस तरह के साथ आरएसएस के साथ है, हम बाबा साहब के पार्टी के साथ है, बाबा साहब की पार्टी चलाते महाराष्ट्र में, ठीक है। फुले साहब अम्बेडकर का जो आपकी जो आरपीआई है वो अलग है, आप ये कह रहे हैं सचिन कराच साहब, ठीक है। आपको ये लगता है कि दरअसल पूरा का पूरा किया धारा बीजेपी का है और शिंदे की जो मंशा है उसमें खोट नजर आती है आपको, आप ये कह रहे हैं? यस बराबर, शिंदे में खोट नजर आती है, यानी कि उद्धव जी ठाकरे जो कोरोना के काल में जो काम किया है दलित शोषित वंचित समाज के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, बागियों को संजय राउत का सीधा संदेश यहां पर सामने आया है। संजय राउत राज्यसभा के सांसद, शिवसेना के गुलामी की बजाय स्वाभिमान से करें फैसले, अपने विधायकों को अब दो टूक कहते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं, घर के दरवाजे खुले हुए हैं। संजय राउत अपने विधायकों की घर वापसी कराने के लिए बेचैन है। कल तक तो सुबह सुबह प्यार भरा नमस्कार और एकनाथ शिंदे को अपना बेहद करीबी दोस्त बता रहे थे, लेकिन अब दो टूक वो कह रहे हैं कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं, गुलामी मत कीजिए, विचार विमर्श मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मुंबई वापस आइए, महाविकास अघाड़ी से अगर कहेंगे निकल जाओ तो निकल जाएंगे बाहर, लेकिन पहले वापस आइए मुंबई। क्या मुंबई आएंगे शिवसेना के वो तमाम नेता जो शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी में टिके हुए हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। घर के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन घर के खुले हुए दरवाजों में दस्तक देने के लिए शिंदे और उनके साथ मौजूद विधायक फिलहाल तैयार नजर नहीं आते हैं। गुलामी की बजाय स्वाभिमान से करें फैसले, तो क्या गुलामी की जा रही है उन विधायकों की ओर से? गुलामी किसकी की जा रही है? शिवसेना के विधायक किसकी गुलामी कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ब्रजमोहन जी सीधे आपके पास आते हुए, अपने बागियों को संजय राउत ये संदेश दे रहे हैं गुलामी मत कीजिए, क्या मतलब निकाला जाए गुलामी का? बिल्कुल, संजय राउत साहब ने बहुत गंभीर बात की है और मैं इसलिए इस बात को उनकी इस बात को सेकंड करता हूं। आप देखिए, आज स्पेशल चार्टर प्लेन से 100 से 125 लोगों को सूरत से गुवाहाटी ले जाया जाता है। फाइव स्टार होटल में 80 कमरों का एक होटल लिया जाता है, जहां पर कि किराया प्रति कमरे का करीब 40,000 रुपए है पर रूम। आखिर इस पैसे को खर्च कौन कर रहा है? और जो लोग खर्च कर रहे हैं तो ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, आईबी कहां है? ये कहां है? सीबीआई कहां है इस समय? ईडी कहां चला गया? सीबीआई कहां है इस समय? एसआरबी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं इस पूरे मामले के पीछे। एक मिनट, मेरी फंडिंग कौन कर रहा है चित्रा जी? एक मिनट मेरी बात, चित्रा जी यही तो मैं कह रहा हूं, कहां चला गया ईडी? मैं बता रहा हूं कौन कर रहा है इसकी फंडिंग, यही तो मैं आरोप लगा रहा हूं। इस फंडिंग के पीछे जो क्रूज ड्रग का जो केस आया था, उसमें जिन लोगों को दिखाया गया था जो कि ड्रग एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे थे, वो सारे चेहरे वहां दिख रहे हैं आपके चैनल पर, उन लोगों के नाम आ रहे हैं, उनका पूरे उस समय की वीडियो, उस समय के फुटेज है। तो पूरी तौर से इस समय ड्रग माफिया, इस पूरे ड्रग माफिया आप पता लगाइए, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती हैं? हमसे क्यों सारी बात कहलवाना चाहती हैं? सर, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़े ना चलाते हैं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं। आपके पास तो पूरी जानकारी होगी ईडी की वजह से, आपके दो नेता इस वक्त जेल के भीतर हैं, आपको तो पूरी जानकारी होगी, आप बताइए ना सर। मीडिया को देश पूरा सुन रहा है, देश पूरा सुन रहा है, कौन है आप खोलकर? सारी बातें पता लग रही हैं, आपको पता है, आप खोलकर बताइए, आप क्यों छिपा रहे हैं? आप खोलकर बताइए, चैनल पे नाम आ रहा है, आपके चैनल पे नाम आ रहा है, वही तो पूछ रही हूं। आपके चैनल पे नाम आ रहा है, मैं आरोप लगा रहा हूं, आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, आपके चैनल पे नाम आ रहा है ड्रग माफिया का, और वो ड्रग माफिया पूरे इस केस के पीछे है, उनका पूरा पैसा लगा हुआ है इस सरकार को गिराने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं सर, रिकॉर्ड ही तो पूछ रही हूं, नाम बता दीजिए, नाम बोलने से क्यों डर रहे हैं आप? जब
हमारा चैनल तो सुबह से लेकर रात तक 500 खबरें दिखाता है। कौन है? यही तो मैं, हजार से ज्यादा नाम हर रोज चलते हैं। कौन है नाम बताइए ना। एक चैलेंज है चित्रा जी, आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। आप भी इस देश को बताइए। निश्चित रूप से आप लोग अपना बहुत अच्छे ढंग से आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो उसमें एक इसको भी जोड़ लीजिए। यह मुद्दा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। या तो आप ये कहिए कि भूषण श्रीवास्तव ने आरोप गलत लगाया, लेकिन नाम नहीं बताया, स्वीकार करिए, विवेक पर फैसला कर लीजिए। विवेक पर फैसला कर, नाम नहीं बता रहा हूँ ना मैं, चाहता हूँ ये नाम आप लोगों के चैनल के माध्यम से आए, देश के सामने चैनल के माध्यम से आएगा, अच्छा लगेगा। फंडिंग की जानकारी कौन कर रहा है? फंडिंग कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इसलिए ईडी की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सीबीआई की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए एनसीबी की हिम्मत नहीं हो रही। आप बताइए चार्ट 80 कमरों का होटल 40,000 आप नाम नहीं बता रहे हैं। विशाल मिश्रा से पीछे हमने लिखा है भारतीय जनता पार्टी जो है रूम करा के क्या ईडी उसकी जांच करती है? ये तो मतलब बड़ा बात है। लिंक का आरोप तो नवाब मलिक के ऊपर लग रहा है, शिंदे ने लगाया है, और आप यहाँ पर एक अलग ही दिशा दे रहे हैं। ब्रजमोहन जी, ईडी ने छापा डाला था कि नहीं कर्नाटक में, आप बताइए ना किस बात का डर है? बता दीजिए कौन जो है कौन कर रहा है? और ईडी जांच करती है कोई व्यक्तिगत रूम लेकर अगर होटल में रहता है गलत है? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ जांच करती है होटल में रूम लेना कोई शिव कुमार जी के लिए सीबीआई दिख गया। सीबीआई और ईडी को शिव कुमार जी दिखे थे ये तो मूलभूत मुद्दों से कि ड्रग माफिया इस पूरे गैंग इस पूरे मामले में है कि आरोप लगा रहा हूँ। लाइन ऑर्डर आपके पास है, अब आपके विधायक चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, आप अपहरण की बात करते हैं तो ये तो सवाल आप पर खड़ा होता है। आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का है कि चार्टर प्लेन का पैसा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? 80 कमरे किसने बुक किए? 40,000 रुपए रोज एक कमरे का कौन दे रहा है? अब इसका जवाब तो विशाल मिश्रा जी दीजिए। ये चार्टर प्लेन का खर्चा किसने उठाया? अब ये सवाल तो बड़ा है। चित्रा जी आप भी जानती हैं कि हर पार्टी का अपना फंड होता है। अब लोग 80 कमरे हैं वहाँ उस होटल में, असम में 80 कमरे, एक कमरे का उन लोगों के पास अपना चार्टर प्लेन किराए पर लेने की क्षमता नहीं होगी। सीधी सी बात है, 80 कमरे क्यों बुक करवाए? उनके पास 42 विधायक हैं तो क्या शिंदे को उम्मीद थी कि पूरे 80 विधायकों को तोड़ ले आएंगे वो? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके 80 कमरे बुक कराए गए तो क्या इस तरह की स्थिति भी बन सकती थी कि शिंदे के साथ 80 लोग चले जाएं? लड़ते तो मगर हाथ में तलवार नहीं। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि 80 कमरे बुक कराए गए हैं, पहुंचे तो 42 विधायक हैं, 80 कमरे क्यों बुक कराए गए हैं वहां पर? क्या इस तरह की उम्मीद में शिंदे पहुंचे हुए थे कि 80 विधायकों को तोड़ कर ले आएंगे? नेता है सीपी, क्या आप सारा पता मीडिया लगाए? वहां पर उस कमरे में कोई प्रवेश करके बता दे उस कैंपस में। आपका आप ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग करा रही है ना, आप अपने करस्पॉन्डेंट से बोलिए उसको, नहीं जाने दिया जा रहा है। सच बात है, 80 कमरे तो बहुत सारी सिक्योरिटी वहां पे लगे हुए, नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सच बात है। और 80 कमरे चित्रा जी, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक तरीका है। अगर कहीं 80 कमरे बुक होते हैं तो घातक कैसे हो जाएगा लोकतंत्र के लिए? पार्टी थी जो स्वच्छता की राजनीति की बात करती थी, ये शास्त्रीय चेहरा है देश के सामने। विशाल मिश्रा जी, सारे खेल के पीछे बीजेपी है, वो कह रहे हैं सारे खेल के पीछे बीजेपी है। विशाल मिश्रा, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस है, जिन्होंने एक विधान एक संविधान का नारा दिया था। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जब गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से बयान आता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बारे में फैसला लेने के लिए सक्षम है, और केंद्रीय नेतृत्व की पूरी निगाह लगी हुई है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो बहुत सारे सियासी कयास अपने सवालों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। बीजेपी का इसमें कितना रोल है और बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र के खोलकर बोलने को क्यों नहीं है अब तक तैयार? वेट एंड वॉच की पोजीशन में क्यों है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि 42 विधायकों का समर्थन अगर खो चुके हैं उद्धव ठाकरे, तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? आज दंगल का हमारा सवाल था, 42 विधायकों का विश्वास खो देने के बाद उद्धव ठाकरे को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं, 81% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 19% लोगों का जवाब नहीं में है। अब उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे? क्या इस्तीफा देंगे या सदन में जाकर बहुमत परीक्षण का करेंगे सामना? 42 विधायकों का क्या होगा? कई ऐसी खबरें हैं जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।
इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।